Hello everyone, how are you? I hope you are doing a great job of learning English with earnest desire and enthusiasm to cope with the present dire situation. I'm quite sure that you all are listening to my lectures honestly, sincerely and candidly. Dear students, main Dr. D.K. Kaushik ek baar phir se aapke saath hoon. ए पिंच ऑफ स्नफ के बचे हुए भाग के साथ आशा है आपने पिछले भाग को भली भांति समझ लिया है और अगले भाग की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यदि 3 मई को लॉकडाउन की समाप्ति की घोषणा होती भी है तो आपके क्लासेस चलने की संभावना न के बराबर है। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग ऑनलाइन ही अपने कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। मैं अगले भाग में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि तुम लोग ठीक से पढ़ रहे हो या नहीं, या फिर लॉकडाउन खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। अभी भूल जाओ कि सभी चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल होंगे। तुम लोग पढ़ते कैसे हो? खाना खाते हुए, बातचीत करते हुए या मस्ती करते हुए? क्या कोई गाना सुन रहे हो? अरे पढ़ाई करो पढ़ाई, लेक्चर को पूरा सुनो, समय मत बर्बाद करो। यही मौका है समय का सदुपयोग करने का। कुछ कर लो इस बीच में और बन जाओ मजबूत, अन्यथा जीवन बेकार सा लगने लगेगा। और सुनो, पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करो और कुर्सी पर बैठ कर पढ़ो। टेबल पर किताब, कॉपी, कलम आदि सब लेकर बैठो और फिर मेरा लेक्चर सुनो, बेवकूफ मत बनो। तो चलो, चैप्टर के बचे हुए भाग को पढ़ने से पहले पीछे की कुछ बातों को याद कर लें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ए पिंच ऑफ स्नफ का लेक्चर 1 देख लें, सुन लें और ठीक से समझ लें। अभी तक आपने देखा है कि लेखक मनोहर मालगोंकर जी के मामा जी उनके दिल्ली वाले आवास पर आते हैं। लेखक इस बात को लेकर थोड़े परेशान हैं, लेकिन उनकी माँ नानू काका के आने से काफ़ी खुश हैं। आखिरकार वे उनके भाई जो हैं, यानी माँ, लेखक की माँ के भाई जो हैं, नानू काका मंत्री से अपॉइंटमेंट फिक्स करने की बात करते हैं। लेखक अंडर सेक्रेटरी होने के कारण मंत्री से समय लेने में सक्षम नहीं है। खैर, वे नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक में ले जाते हैं और लेखक बाहर कार की पार्क में ही इंतज़ार करते हैं और नानू काका मंत्री से मिलने का इंतज़ाम करने के लिए अंदर जाते हैं। 2 घंटों के बाद वे गालियां देते हुए वापस आते हैं और कहते हैं कि यह कितनी शर्मनाक बात है कि इतनी मेहनत के बाद भी आज से 3 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। अब आगे हमने 21 पॉइंट्स क्लियर कर लिया था, अब 22वें पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा 22वां पॉइंट है, अ गार्निस येलो स्पोर्ट्स कार। अब देखिए, ये गार्निस येलो स्पोर्ट्स कार क्या है? तो एक सुंदर पीले रंग की स्पोर्ट्स कार। क्या कहा गया? अ गार्नी येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। मतलब एक सुंदर पीले रंग की स्पोर्ट्स कार हम लोगों के पास से होकर गुजरी, ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न, अपनी हॉर्न बजाते हुए, इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, मतलब बिना रुके हुए लगातार, एंड
द यंग मैन एट द व्हील, और जो युवा व्यक्ति गाड़ी पर बैठा हुआ था, कार पर बैठा हुआ था या कार चला रहा था, वेव्ड हिज हैंड्स टू मी, ने मुझे अपना हाथ दिखाया। 23rd पॉइंट में आ जाते हैं, व्हाट ए रूड मैन, कितना गंवार आदमी है। हु वॉज दैट, कौन था वो, नानू काका आस्ट, नानू काका ने पूछा। 24 पॉइंट्स में, पॉइंट में चैप कॉल्ड रतिराम, उस चैप को, उस लड़के को रतिराम कहते हैं। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, वह मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। आई सी, मैं समझा। देर वॉज सम टॉक्स अबाउट हिज गोइंग, कुछ बातें चल रही थी उसके जाने के बारे में। एज अ ट्रेड कमिश्नर, एक वाणिज्य कमिश्नर के रूप में, टू हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली के पास। यू नो द एम्बेसडर, आप जानते हैं उस एम्बेसडर को, उस राजदूत को। बट दे से, लेकिन लोग कहते हैं, इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, लेकिन लोग कहते हैं कि अब यह चर्चा ऑफ हो गई है, बंद हो गई है। आई सेड, मैंने कहा, जस्ट टू मेक कंजर्वेशन, मैंने कहा बस बचाव करने के लिए। अब यहाँ कंजर्वेशन यानी बचाव का क्या तात्पर्य है? चूँकि नानू काका ने लेखक से, मंत्री से मिलवाने की बात की है, और इस कार्य में लेखक असमर्थ हैं, इसीलिए लेखक बात को थोड़ा घुमाकर अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए 27th पॉइंट में आते हैं। Why don't you get sent? तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता है? On one of these foreign assignments, इनमें से किसी विदेशी कार्य पर, नानू काका asked, नानू काका ने पूछा। To get sent, भेजा जाना, on a foreign assignment, किसी विदेशी कार्य पर, is in the same category, उसी श्रेणी में आता है, as getting an interview with a minister, uncle, जैसे एक मंत्री से मिलने का वक्त लेना मामा जी। I said, मैंने कहा, somewhat unkindly, थोड़ी क्रूरता से। It takes pull, इसमें खिंचाई होती है। रतिराम is the son of सोहन लाल रतिराम, रतिराम सोहन लाल रतिराम का बेटा है। You know, आप जानते हैं, the party boss in Delhi, दिल्ली में पार्टी के बॉस हैं। 29th पॉइंट में है, नानू काका sat up with a jerk, नानू काका एक झटके के साथ बैठ गए। What was that? वो क्या था? What did you say? क्या कहा तुमने? सोहनलाल रतिराम से सन, सोहनलाल रतिराम का बेटा। How extraordinary! कितना उत्तम। Well, ठीक। He leaned back in his seat. वह अपनी सीट पर पीछे की ओर झुककर बैठ गए। एंड stared at me, और मुझे टकटकी लगा कर देखा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी देर तक। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो, या अब मैं देखूं तो, यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू, तुम्हारे पास क्लोज कॉलर यानी बंद गले वाला जोधपुरी कोट है ना? गुड, ठीक है। एंड कैन टाई ए टर्बन, क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो, या क्या तुम्हें पगड़ी बांधना आता है? नो, नहीं। अच्छा, वेल, अच्छा, आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, मुझे तुम्हें पहनाना पड़ेगा। ऑल दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, यद्यपि मैं कोई कुशल नहीं हूँ।
This tie and collar business is no good these days. ये टाई और कॉलर वाला जो आजकल काम है ना, वो ठीक काम नहीं करता है. Let's go home. चलो घर चलते हैं. After you have changed, जब तुम अपने कपड़े बदल लोगे, we will go and see him. हम लोग जाएंगे और उससे मिलेंगे. See whom? किससे मिलेंगे? Why? क्यों? लाला सोहन लाल, of course. बेशक लाला सोहन लाल. Do you know him at all? क्या आप उन्हें थोड़ा भी जानते हैं? Of course not. बेशक नहीं, नानू काका said. नानू काका ने कहा. तो 34वें पॉइंट में आते हैं. I changed into Jodhpur coat. मैं जोधपुर कोट में आ गया, मतलब मैंने जोधपुरी कोट पहन लिया. एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूज टर्बन, ऑरेंज टर्बन. और मामा नानू काका ने बांध दिया एक बड़ी पगड़ी राउंड माय हेड, मेरे सिर के चारों ओर. एक्ट अभिनय करो या नाटक करो. एज दो मानो, यू वर अ सॉर्ट ऑफ एडीसी, तुम मेरे एक एडीसी की तरह हो. ही कॉसंट मी, उन्होंने मुझे चेतावनी दी. एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल्स हाउस, जब हम लोग लाला सोहन लाल के घर के लिए रवाना हुए. 35वें पॉइंट में आ जाए. ए सेक्रेटरी, एक सचिव, इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स, बिना किसी दाग वाले सफ़ेद कपड़े में, रिसीव्ड अस, ने हम लोगों का स्वागत किया. एंड शोड अस, हम लोगों को दिखाया. इन टू अ कूल वाइट रूम, यहाँ शोड इन टू का प्रयोग में ले जाना के अर्थ में हुआ है. मतलब सेक्रेटरी हम लोगों को एक ठंडे सफ़ेद कमरे में ले गया. बिफोर ही आस्ट आवर बिजनेस, हम लोगों से आने का कारण पूछने से पहले. वेरी पोलाइटली, काफ़ी विनम्रता से. 36 पॉइंट. जस्ट ड्रॉप्ड इन, यूं ही आ गए. नानू काका सेड कैजुअली, नानक काका ने कैजुअली कहा, यानी औपचारिक अंदाज में कहा. आई हैड कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया था. फॉर द जमींदार्स कॉन्वेंशन, जमींदारों की सभा में. रादर अनऑफिशियल गैदरिंग, थोड़ी अनौपचारिक संगोष्ठी थी. यू नो, आप जानते हैं, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, चूँकि हम जमींदार लोग ना बिल्कुल भी फेमस नहीं रहे आजकल. वीपी हैज Also sent a cable, VP ने भी तार भेजा है. He wants to see me, वे मुझसे मिलना चाहते हैं. But he is not coming from Washington until tomorrow, लेकिन वे कल तक वाशिंगटन से नहीं आ रहे हैं, यानी वे नहीं आ पाएंगे. I thought I might as well see लाला जी, मैंने भी सोचा कि चलो मैं लाला जी से मिल लेता हूँ. And tell him और उन्हें बता दूं, what arrangements we the जमींदार्स have made, कि हम जमींदारों ने क्या व्यवस्था की है for the agricultural vote, यानी किसानों के वोट के लिए. 37 पॉइंट में आए. नानू काका sort of trailed off, मतलब यहाँ trail off का अर्थ है पिछड़ना. तो नानू काका sort of trailed off, यानी नानू काका थोड़ा पिछड़ रहे थे. किससे पिछड़ रहे थे? तो उस सेक्रेटरी से बात करने में. एंड आई कुड सी दैट, और मैं ये देख पा रहा था कि ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन, कि वे वास्तव में कोई प्रभाव नहीं जमा पा रहे हैं ऑन द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पर, सचिव पर. हु वॉज जस्ट बींग पोलाइट, जो कि बस पोलाइट होते चला जा रहा था, विनम्र होता चला जा रहा था.
एंड प्लेइंग इट सेफ, और काफ़ी सुरक्षित होकर के खेल रहा था, मतलब बड़ी चालाकी से बातें कर रहा था एंड नानू काका की बातों में बिल्कुल नहीं फंस रहा था। आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री, मुझे देखना होगा कि क्या लाला जी फ्री हैं या नहीं, खाली बैठे हैं या नहीं। किसने कहा? सेक्रेटरी ने कहा। ही सेल्डम सीज एयर मिनिस्टर्स विदाउट प्रीवियस अपॉइंटमेंट, वे शायद ही मिलते हैं किसी आगंतुक से बिना पूर्व को बिना पहले समय दिए हुए। 38th पॉइंट में आ जाए, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी अवश्य फ्री होंगे, बिकॉज क्योंकि फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, सटे हुए कमरे से यानी बगल के कमरे से, वी कुड जस्ट हियर, हम लोग सुन सकते थे द अनहरीड गर्गल। अनहरीड का मतलब है बिना जल्दबाजी का, और गर्गल का मतलब होता है गुड़गुड़ाहट, तो बिना जल्दबाजी की गुड़गुड़ाहट किस चीज़ का, तो ऑफ द हुक्का, हुक्के की। एंड देन, और तब, वी कुड हियर, हम लोगों ने सुना द हॉटी सेक्रेटरी घमंडी चापलूस सचिव को टॉकिंग टू हिम, उनसे बात करते हुए। 39 पॉइंट में आ जाए, व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा। आई थॉट, मैंने सोचा ही वॉज स्पीकिंग, वे बोल रहे थे इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस, असामान्य रूप से ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, मतलब जनरली जैसे बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा असामान्य आवाज़ में वो बोल रहे थे। तो ट्यूसडे, मंगलवार, आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। ओह ओनली ट्यूसडे, ओह मंगलवार ही है, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे, और सोचो कि रविवार को आई वॉज इन बीरुत, मैं बीरुत में था। अमेजिंग, आश्चर्यजनक है ना, अमेजिंग, आश्चर्यजनक, इजंट इट, है ना। 42nd पॉइंट में आते हैं, आई स्वेलोड हार्ड, मुझे बड़ी कठिनाई से हजम हुआ, मतलब लेखक को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि नानू काका क्या कह रहे हैं। अमेजिंग, आश्चर्य है, आई अग्रीड, मैं भी सहमत हुआ। चलिए अगले पॉइंट में, एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, और अगर मैंने हजरत को सुना होता या उसकी बात मान ली होती, तो आई वुड बी अब्रॉड, तो मैं अभी विदेश में ही फंसा होता। ओल्ड एच बी का मतलब है हजरत बरकत, ओल्ड एच बी वॉज डाइंग टू ड्रैग मी, मतलब एच बी यानी हजरत बरकत क्या कर रहा था, डाइंग, मर रहा था, यानी तरस रहा था, जिद कर रहा था मुझे खींच कर ले जाने के लिए, खींच करके ले जाने के लिए कहाँ, टू द फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री के पास। 44वें पॉइंट में आते हैं, द स्टीडी गर्गलिंग, लगातार हो रही गुड़गुड़ाहट, ऑफ हुक्का, हुक्के की, इन द नेक्स्ट रूम, बगल के कमरे में, हैड सडनली स्टॉप्ड, अचानक रुक गई थी। व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। ऑल्दो आई हैड नॉट इवन ओपन्ड माई माउथ, यद्यपि मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था। Why didn't I stay back? मैं वहां रुका क्यों नहीं? You know how it was with HB the last time. जानते हो पिछली बार HB के साथ क्या हुआ था? When he was in Geneva, जब वह जेनेवा में था, got me involved with the cotton dogs. मुझे कपड़ों के व्यवसायियों के साथ बातचीत में लगा दिया था। बिसाइड्स, इसके साथ साथ, फ्रॉम बॉम्बे से SK हैड बिन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल,
एसके मुझे तार पर तार भेज रहे थे। 46 पॉइंट में आ जाए। दैट वॉज द मोमेंट, उसी क्षण लाला सोहन लाल रतिराम केम, लाला सोहन लाल रतिराम आए, वैडलिंग हिलते डुलते आउट ऑफ द इनर रूम, अंदर के कमरे से, विद द सेक्रेटरी एट हिज हील्स, उनके पीछे पीछे सचिव भी आया। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब से ही एवरीथिंग वॉज स्मूदर्ड, सब कुछ चिकना होता गया, मतलब अच्छा अच्छा होता गया, इन द सचरीन कर्सी, मतलब मीठी औपचारिकता में, ऑफ द सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर, मतलब मंझे हुए राजनेता के मीठी मीठी औपचारिकता में हर कुछ अच्छा होता चला गया। एज सुन एज ज्यों ही द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, ज्यों ही परिचयों का आदान प्रदान समाप्त हुआ, द सेक्रेटरी वॉज सेंट, सचिव को भेज दिया गया, बसलिंग ऑफ, मतलब आनन फानन में, हड़बड़ी में, टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट मीट्स एंड पान, कॉफी मिठाई और पान के लिए इंतज़ाम करने के लिए भेज दिया गया। 47 पॉइंट में आया। दे एस्पायर्ड, उन लोगों ने बातचीत की, गार्डेडली, बड़ी सावधानी पूर्वक, अबाउट जमींदार्स, जमींदारों के बारे में, एंड वोट्स, और वोटों के बारे में, एंड द वेदर, मौसम के बारे में, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए, बिफोर कमिंग टू ब्रास टॉक, टैक्स, मतलब मुख्य मुद्दे पर आने से पहले। आई हेयर यू नो हजरत बरकत अली वेल, मैंने सुना है आप हजरत बरकत अली को अच्छी तरह से जानते हैं, सोहन लाल सेड, सोहन लाल ने कहा, विथ एन इनग्रेशिएटिंग ग्रीन, इनग्रेशिएटिंग ग्रीन क्या है, मतलब बड़ी चापलूसी से हंसी दिखाते हुए, दांत दिखाते हुए, मतलब चापलूसी में अपने दांत को दिखाते हुए। ओह ओल्ड एच बी, ओह बूढ़ा एच बी, हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता चला। आई नो एच बी, मैं एच बी को जानता हूँ, एक्चुअली वास्तव में वी वर एट ए स्कूल टुगेदर, हम लोग स्कूल में साथ साथ थे, ऑलवेज रिगार्डेड मी, हुआ मुझे हमेशा मानता था एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई की तरह, रादर टचिंग रियली, थोड़ा चिपकू है, यानी मित्रवत है वास्तव में। इवन टुडे, आज भी, ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीशन, वह शायद ही कोई बड़ा निर्णय लेता है, विदाउट कंसल्टिंग मी, बिना मुझसे संपर्क किए हुए। When the PM offered him the embassy, जब प्राइम मिनिस्टर ने उसे एम्बेसी को ऑफर किया, यानी दूतावास को सौंपा था, who do you think had to make up HB? आपको क्या लगता है कि किसने उसका मन बनाया था, HB का मन बनाया था? You, आपने? That's right, me, एकदम सही, मैंने, laughed Sohanlal, Sohanlal हंसे, now showing all his pan stained teeth, अब उनके पान के दाग लगे सभी दांत दिख रहे थे। In that case, उस स्थिति में, it is a lucky day, मतलब यह सौभाग्यशाली दिन है कि यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, या मुझ गरीब की कुटिया में आए हैं, वेरी लकी, बहुत सौभाग्यशाली, बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा बेटा, ही इज इन द बैलेंसेज मिनिस्ट्री हियर, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ बैलेंसेज मिनिस्ट्री में है, यानी माप तौल मंत्रालय में है। He was going as trade commissioner. वह एक वाणिज्य आयुक्त बनकर जा रहा था टू हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली के पास। But you know, लेकिन आप जानते हैं,
हाउ देर आर विल्स विद इन विल्स, कि कैसे विघ्न पर विघ्न आ जाते हैं. Someone seems to have poisoned the ambassador's mind. प्रतीत होता है कि किसी ने राजदूत के एम्बेसडर के दिमाग में जहर घोल दिया. About my son, मेरे बेटे के प्रति. About some transaction, कुछ लेन देन के मामले में. Concerning evacuee property, मतलब जमीन से संबंधित लेन देन के मामले में. Actually, वास्तव में it was a perfectly legitimate, वास्तव में यह कानूनी रूप से लेजिटिमेट था, वैध था. 52nd पॉइंट में आ जाए. नानू काका वेब्ड अवे, नानू काका ने इनकार किया. एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, आगे किसी व्याख्या को सुनने से. दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, वो तो बिल्कुल आसान हो जाना चाहिए. ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की. आई विल राइट, मैं लिखूंगा. एंड टेल एच बी, और एच बी को कह दूंगा, मतलब मैं एच बी को लिख कर कह दूंगा. टू डू इट, इसे करने के लिए. नो नो, नहीं नहीं, डोंट थैंक मी एट ऑल, मुझे बिल्कुल धन्यवाद मत दीजिए. आफ्टर ऑल, मतलब आखिरकार. वी मेन इन द पब्लिक आइज, हम लोगों को पब्लिक की नज़रों में, यानी लोगों की नज़रों में, मस्ट डू समथिंग, कुछ अवश्य करना चाहिए. फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए. हा हा, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, मतलब कर भला तो हो भला. नानू काका ओपन्ड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, नानू काका ने अपने चांदी का स्नफ बॉक्स, यानी सूंघने की डिबिया को खोला. एंड टुक अ पिंच, और एक चुटकी निकाला. देन तब, फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, तब अपने अंगोछे को फ्लिक करते हुए, यानी झाड़ते हुए, ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, उन्होंने यूं ही कल्याण मंत्री का नाम ले लिया. देन फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल्स फेस वैनिस्ड, तब सोहन लाल के चेहरे पर की जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई, वैनिस हो गई. इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वे आपके मित्र हैं. नानू काका एडमिटेड, नानू काका ने स्वीकार किया. नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं बिल्कुल नहीं. आई एम सो ग्लैड, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई. दैट मैन, वो आदमी. अच्छा, ये क्यों कहा इन्होंने कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, सोहन लाल ने ऐसा क्यों कहा. इसलिए कहा कि नानू काका उस मिनिस्टर के दोस्त नहीं हैं, ये जान करके सोहन लाल को काफ़ी खुशी होती है. दैट मैन, वो आदमी, सच इनग्रेटिट्यूड, ऐसा निर्लज. आई गेव हिम ए टिकट, मैंने उसे टिकट दिया. हेल्प्ड हिम, उसकी मदद की. इन एवरी वे, हर तरह से उसकी मदद की. एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और मुझे बदले में क्या मिला. 56 पॉइंट में आते हैं. इट टर्न्ड आउट दैट, ऐसा पता चला कि द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल, मंत्री और लाला सोहन लाल, वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, कभी सबसे अच्छे मित्र हुआ करते थे. वर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन, अब वे डैगर्स ड्रॉन में हैं, यानी कट्टर शत्रुता में हैं. सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से. व्हेन द मिनिस्टर, जब मंत्री ने, हैड रिफ्यूज्ड टू कंसीडर, अस्वीकार कर दिया था, ए प्रपोजल फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए शादी के प्रस्ताव को, टू मैरी लाला जीज सन, लाला जी के बेटे से विवाह करने के लिए. ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, उसे राजकुमार चाहिए. सोहन लाल स्नॉर्टेड, सोहन लाल गुस्से में आकर बोले, वट इज अ प्रिंस दीज डेज, आजकल राजकुमार क्या चीज है. हा,
कॉन्फिडेंशियल गुप्त बात है, निजी बात है, गुप्त बात है। आई कैन टेल यू दैट, मैं आपको कह सकता हूँ कि मिनिस्टर हैज़ बर्नड हिज बोट्स, कि मंत्री ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। हाँ, मुझे आश्चर्य होगा यदि उसको टिकट दिया जाता है अगले चुनाव के लिए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि देखते हैं कि उसको अगले चुनाव के लिए टिकट कैसे मिल पाती है। वेरी सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्य होगा। ही टर्न्स माई सन डाउन, वह मेरे बेटे को नीचा दिखाता है। एंड वांट्स ए प्रिंस, और एक राजकुमार चाहता है। वाह। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और भी ज़्यादा फनी बात है कि आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है कि सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज्ड होरोस्कोप्स, कि अभी तक उन लोगों ने कुंडली को भी एक्सचेंज नहीं किया है, मतलब कुंडली की अदला बदली भी नहीं की है। इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड्स हैव नॉट कम टुगेदर, मतलब दोनों पक्षों के ज्योतिषी भी साथ साथ नहीं आए हैं टू डिसाइड, निर्णय करने के लिए वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच, कि यह एक शुभ जोड़ा बनेगा कि नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। आशा करता हूँ कि आपने ध्यानपूर्वक सुनकर हर पॉइंट को समझने की कोशिश की होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।